नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। परदेशीपुरा में एक विवाहिता को धोखे में फंसाने और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास का मामला सामने आया। परदेशीपुरा पुलिस ने आफताब खान उर्फ सलमान शेख उर्फ सुदीप को गिरफ्तार किया है, जो एक निजी अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्य करता है। आपको बता दें कि एक महिला ने पुलिस में शिकायत की थी कि उसके पिता को लकवे के कारण लक्ष्मी मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहाँ उसकी मुलाकात एक युवक से हुई, जिसने अपना नाम सुदीप बताया। दोनों ने मोबाइल नंबर एक्सचेंज की और पिता की छुट्टी होने के बाद सुदीप आफताब इंजेक्शन लगाने उनके घर आने लगा। इस दौरान दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी और सुदीप ने शादी का झांसा देकर महिला से शारीरिक संबंध बनाए। कुछ समय के बाद सुदीप यानी कि आफताब महिला के साथ मंदिर गया, जहाँ एक व्यक्ति ने उसे पहचान लिया। असलियत सामने आने पर महिला ने विरोध किया तो सुदीप ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और इस्लाम धर्म स्वीकार करने का दबाव बनाने लगा। तंग आकर महिला ने हिंदू संगठन के पदाधिकारियों से संपर्क किया और संगठन के कार्यकर्ताओं ने आफताब को अस्पताल से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाँ नमस्कार, ये परदेशीपुरा की घटना है। कल एक पीड़िता अपने पिता के साथ थाने पर आती है और बताती है कि मेरे साथ किसी ने नाम बदल के दुष्कर्म किया है। तो उन्होंने पूरी कहानी इस तरीके से बताई कि इनके पिताजी को 2023 में पैरालिसिस का अटैक आया था, तो उसमें हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। तो उस हॉस्पिटल के जो रिसेप्शन पे एक लड़का काम करता था युवक, उसने अपना नाम सुदीप बताया था और उसने जो बच्ची है उसने अपना मोबाइल नंबर उस पर लिखवाया था कि अगर मेरे पिताजी को कुछ होता है तो मेरे को एक बार कॉल करना। तो दो तीन दिन बाद उस लड़के ने इस बच्ची को कॉल किया और बोलता है कि मुझे आप अच्छी लगती हो, मुझसे आपसे दोस्ती करनी है। लेकिन इसने बताया कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, एक मेरा बच्चा भी है। लेकिन उसने अपनी जिद पकड़ी, बोला कि मैं आपको रखूँगा और शादी भी करूँगा और मेरे साथ घूमो फिरो इस टाइप से। तो इन लोगों की बातचीत होने लगी और ये घूमने फिरने भी गए। लेकिन कुछ दिन बाद इसको पता चलता है कि उसका जो असली नाम है वो आफताब है और लोग उसको सलमान नाम से भी जानते हैं। तो इसने उससे पूछा कि आपका नाम तो सलमान है और आफताब भी है और आफताब है। तो उसने बताया कि नहीं, मैं सुदीप नाम ही है। लेकिन जब उसने अपनी उसकी आईडी देखी तो उसमें आईडी में उसका नाम आफताब था। तो जब दोनों का कन्फ्रंटेशन हुआ तो उसने बताया कि हाँ, मैं आफताब नाम है मेरा और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, आप हिंदू धर्म अपना लीजिए, मुस्लिम धर्म अपना लीजिए और मैं आपसे निकाह कर लूँगा। तब इस लड़की ने मना किया और इसके बाद जब मना किया तो उसने उस पर दबाव डाला और इनकी मारपीट भी हुई है, जिसके ऊपर हमने अपराध पंजीवृत किया है। और आफताब को भी राउंड अप कर लिया है, उसका मेडिकल करा के उसको गिरफ्तार करके आज पेश करें जी। इसमें जो दुष्कर्म की धाराएं लगाई गई हैं, मारपीट की धाराएं लगाई गई हैं और जो धर्म परिवर्तन के लिए उस पर दबाव डाला गया उसकी भी धाराएं। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।